न भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हम लोग पौराणिक क्षरतावली को श्रवण कर रहे हैं श्री जनक महाराज जी के प्रसंग को हम यहां श्रवण कर रहे हैं जनक नाम के दो प्रसिद्ध महात्मा हुए थे सामने होना चाहिए तब पता लगता है आगे पीछे जगह बहुत है जनक नाम से दो हुए हैं एक हैं निमी के पोते तथा मिथि या मिथिल के पुत्र महाराज जनक ये जनक महाराज ही विदेह जनक की उपाधि प्राप्त करने वाले राजवंश के प्रतिष्ठाता हैं विदेह राज कहने से उत्तर बिहार या मिथिला का राजा समझा जाता है रामस्य से कौशल चरितम किल विषापहम निमीरम परित्यागो जनकानांश्च संभव कहते हैं कौशलेंद्र रामचंद्र जी का पुण्य चरित्र निमी का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन जन जनक एक एक तरह से एक प्रजाति ही बनी बाद में भागवत जो है संभव हुआ द्वितीय शब्द द्वितीय में दूसरा कौन हुए हैं कहते हैं दूसरे महाराज जनक जी भगवान रामचंद्र जी की शक्ति सी श्री सीता जी के पालक पिता है सीता शब्द का अर्थ होता है हल से अंकित रेखा हल से अंकित रेखा उसे कहते सीता राजा जनक यज्ञ भूमि को खोदने के लिए जब हल चला रहे थे तभी उन्हें वहां हल की नोक के द्वारा खुदी जमीन से कन्या की प्राप्ति हुई इसलिए उनका नाम सीता रखा ये जनक सीर ध्वज जनक के नाम से भी प्रसिद्ध है ध्वज जनक जनक महाराज का पूरा नाम है ध्वज जनक पहले जो जनक हुए हैं उनका है विदेह जनक महाराज जनक विदेह जनक के नाम से लेकिन वो भगवान रामचंद्र के ससुर नहीं है माता सीता के आलक नहीं है और कृष्ण देव्यास जी ने स्वरचित श्रीमद भागवत के नमस्क में विदेह राज जनक के पवित्र चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है उसका यहां मैं सार कर रहा हूं गुरुदेव लिखते हैं इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के वंश में ब्रह्मज्ञ राज महाराज जनक आदि राजमहर्षि अभिभूत हुए हैं महाराज निमि के यज्ञ के लिए विशिष्ट जी को पुरोहित के रूप में वर्ण किया गया किंतु देवराज इंद्र ने पहले से ही विशिष्ट को ऋत्विक के रूप में वर्ण किया हुआ था इसलिए वह पहले इंद्र का यज्ञ करवाने के लिए चले गए और उन्होंने महाराज नेमी को तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जब तक वे देवराज इंद्र के यज्ञ का कार्य पूरा करके वापस नहीं आ जाते विधेयराज नेमी विशिष्ट जी को कोई उत्तर न देकर चुप रहे चूंकि वह आत्म तत्वज्ञ थे अतः जीवन को अनित्य जानकर जब तक गुरु वशिष्ठ लोट नहीं आते तब तक उनकी प्रतीक्षा ना करके महाराज ने दूसरे ऋतिक द्वारा यज्ञ आरंभ करवा लिया इंद्र यज्ञ की समाप्ति के पश्चात जब विशिष्ट जी वापिस आए तो शिष्य का इस प्रकार अपमा अभिमान जनित व्यवहार देखकर उन्होंने निमि को अभिशाप दे दिया कि आपकी पंडिताभिमानी देह नष्ट हो जाए अकारण शाप प्रदान करने के कारण राजा निमी ने विशिष्ट को उल्टा भी शाप दे दिया कि मुनि का शरीर भी नष्ट हो जाए देखिए कैसे कैसे शक्तिशाली राजा हुए हैं ये जो निमी महाराज थे निमी नवयुगेंद्र संवाद इसी निमी महाराज के पास में हमारे नव योगेंद्र जो हुए हैं नौ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको योगेंद्र कहा गया नव योगेंद्र वो सब लोग इनके पास जाके प्रश्न पूछते हैं सवाल करते हैं जवाब देते हैं जवाब सुनते हैं सवाल करते हैं इस प्रकार से इतने बड़े प्रकांड महान महापुरुष जिनका ज्ञान बहुत ही उन्नत था बड़ा ही श्रेष्ठ था पहले ही ऋत्विक के रूप में यज्ञ करने के लिए इंद्र ने निवेदन किया था इसलिए इंद्र का यज्ञ पूरा करने के लिए चले गए तो इन्होंने सोचा शरीर नश्वर है ना जाने कब चला जाए और ये गए हैं स्वर्ग में वहां से वापस आएंगे तब तक मेरा शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू किया ये भावना कितनी अच्छी थी परंतु ये बात गुरुजी समझे नहीं गुरुजी ने व्यवहार देखा व्यवहार देख करके बोल दिया कि तुमने जो है अभिमान के साथ ऐसा किया है मैं तुम्हारा गुरु हूँ गुरु को ना बुला करके अभिमान के साथ शुरू किया है तो जा तेरी मृत्यु हो जाए उन्होंने अभिशाप दिया जाओ तुम्हारा ये मुनि वाला शरीर भी नष्ट हो जाए इसके पश्चात अध्यात्म शास्त्र में निपुण निमि ने अपनी देह का परित्याग कर दिया और उधर प्रप्रिता महावशिष्ठ ने भी देह त्याग करके पुनः मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया अच्छा यज्ञ के समय निमि का देह पतन होने से यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ मुनियों ने निमि की देह को गंधयुक्त वस्तुओं में रखकर सत्र याग का समापन किया अच्छा मतलब है शरीर से ही यज्ञ होता है तो शरीर को रख करके शरीर के द्वारा यज्ञ दो प्रकार के होते हैं एक होता है आत्म यज्ञ जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं उसमें आत्मा भी ब्रह्म है अग्नि भी ब्रह्म है जो डालने वाला वो भी ब्रह्म है ब्रह्मणा ब्रह्मण्तम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म में ही जाता है ब्रह्म में ही हो रहा तो ब्रह्म मतलब आत्मा आत्मा को आत्मा में आत्मस्थ हो करके आहुति देती है वो आत्मा का होता है लेकिन यही ये यज्ञ है ऋत्विक यज्ञ है ये शारीरिक है तो इसलिए उन्होंने शरीर को रखा आत्मा चली भी गई शरीर को रखा और उसका नाम है सत्र याग जो सात दिन का जो भी है। समापन किया वहां आए हुए देवताओं को कहने लगे हे देव देववृंद यदि आप समर्थवान हो और हमसे संतुष्ट हो तो हमारे राजा को फिर देह में प्राणों का संचार करें देवता आए देवताओं ने आकर के वर मांगने को बोला कहते अगर आपका समर्थ है तो आप ऐसा कीजिए देवताओं ने कहा तथा अस्तु कहने पर निमी ने अपने प्राण फिर से प्राप्त कर लिए किंतु फिर से देह में प्राण संचारित होने पर विदेहराज निमि मुनियों से कहने लगे जिस देह का वियोग हो जाता है ऐसे भयप्रद देह सुख की हरि भक्त मुनि इच्छा नहीं करते वे तो केवल भगवत पाद पद्मों की सेवा सुख की ही वासना करते हैं मैं दुख प्रद देह की इच्छा नहीं करता हूँ जल में जैसे मछली आदि जल जंतु दूर जल जंतुओं से सदय सदा ही मृत्यु का भय रखते हैं उसी प्रकार देहधारी जीवों का भी देह ग्रहण करके मृत्यु सदा सर्वदा बना रहेगा महाराज नेमी की बात को सुनकर मुनिगण संकट में पड़ गए राजा को जीवित करने के लिए मुनियों ने देवताओं से प्रार्थना की परंतु राजा शोक मोह आदि देह वाली देह की इच्छा ही नहीं रखते अब किया, किया जाए इसके प्रतिकार के लिए देवताओं ने कहा कि विदेहराज निमि बिना शरीर के ही सूक्ष्म शरीर या भगवत पार्षद देह से शरीरधारियों के पास उनमेश या निमेश के रूप में अच्छा अर्थात नेत्रों की पलकों में अपनी इच्छा के अनुसार वह स्थान करेंगे राजा के अभाव में राज्य में अराजकता आएगी ऐसी चिंता कर वह प्रजा के हित की चिंता कर सभी ऋषि महाराज निमि की देह का मंथन करने लगे अच्छा समझ में आया ध्यान दीजिए समझा के चलते हैं आगे कहते हैं जब उनको तथास्तु कहा तो उस शरीर से निमी महाराज बैठ गए बैठ के बोलने लगे मैं ऐसा शरीर नहीं धारण करना चाहता जो शरीर मृत्यु प्राप्त हो आज नहीं कल फिर दोबारा मृत्यु होगी और जैसे जल में रहने वाली छोटी मछलियां बड़ी से डरती हैं इसी प्रकार मेरे को भी मृत्यु से डर रहेगा इसलिए इस शरीर में क्या रहने की इच्छा है मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है ऐसी उन्होंने शरीर को ना रखने की इच्छा व्यक्त की ये देख करके मुनिगण संकट में पड़ गए कि अरे ये तो इतने बड़े महात्मा हैं इनको देह की इच्छा नहीं ठीक है आप भगवत पार्षद के रूप में तो रह सकते हैं तो आप सूक्ष्म शरीर से रहिए लोगों की निमेश आंखें खुली आंखें बंद इसमें ही आप अवस्थान कीजिए भक्तों की निमेश और उन्मिनेश बंद और खुला इनको करने में ही आप अवस्थान करें यह एक स्थान दिया राजा के अभाव में राज्य नहीं चलेगा इसलिए उन्होंने राजा की देह का मंथन किया मंथन मतलब उसके कोल उसके शरीर से क्लो, कोलोन बनाने क्लोन बनाने के लिए उन्होंने उसके शरीर का मंथन किया मंथन मतलब उसके अंदर से जैसे हम लोग खून निकाल करके अगर उसका प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं ठीक है उसका प्लाज्मा अलग कर देते हैं उसके अंदर से फिर रेड सेल अलग कर देते हैं वाइट सेल अलग कर देते उनको यूज़ कर सकते हैं ना जैसे ऐसे उन्होंने उसका मंथन करना शुरू किया देखिए कितने हजारों साल हजारों लाखों साल पहले इस प्रकार से हमारी विज्ञान की पराकाष्ठा थी और जो विज्ञान का चरम सीमा थी वो त्रेता युग में ही थी सतयुग में शक्तियों से प्रभाव होता था त्रेता युग में वो शक्तियाँ जो हैं वस्तु के रूप में आई जैसे प्लेन बड़े बड़े विमान होना जैसे ये देखियो ये दे कट गई तो दूसरी दे डाल दी ये कर दिया मतलब बड़ा ही विचित्र रहा है द्वापर युग में सारे विमान खत्म हो गए आकाश में चलने वाले जितने विमान थे सब खत्म हो गए अभी लोग बोलते द्वापर युग के विमान कहीं खोज मिला ना द्वापर युग का कहीं नहीं क्योंकि द्वापर युग में ऐसा वर्णन कहीं नहीं आया कि वो उड़ करके चले गए उड़ करके किया ऐसा नहीं है रावण के समय में ज्यादा माया भी शक्ति थी और कलयुग में फिर दोबारा उड़ने लगे लोग इन्होंने सब कुछ इंस्ट्रूमेंटल कर दिया तो कहते हैं असाधारण रूप से जन्म ग्रहण करने के कारण उनका नाम हुआ जनक तथा प्राणहीन देह से उत्पन्न होने के कारण विदेह एवं मंथन के कारण वे मिथिल मंथन से हुए तो मिथिल नाम पड़ा मिथिल नाम से जाने जाते इन मिथिल के द्वारा बनाई गई पुरी का नाम है मिथिलापुरी मिथिल के पुत्र ही उदावसु हैं विदेह के अर्थात मिथिलापुरी के राजा लोक जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं मतलब वहाँ के जितने भी राजा होते थे वो जनक के नाम से ही जाने जाते थे भागवत के प्रमाण से जाना जाता है कि द्वापर युग में श्री बलदेव जी मिथिलापुरी के राजा जनक के घर पर ठहरे वहाँ बलदेव जी जनक जी के घर में ठहरे थे बलदेव जी को श्री कृष्ण ने से दूर रहते देखकर वह व इसे सुअवसर जानकर धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी अच्छा कृष्ण से दूर है वहां जाकर के उसने गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की तम दृष्ट सहसोत्था मैथिल प्रतिमानस अरहयामास अर हयास वदर विधि वदरनीयम कहते शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण छंदोग्य उपनिषद महाभारत हरिवंश पुराण भागवत आदि विविध शास्त्रों ग्रंथों में महाराज जनक का उपाख्यान वर्णित है शुक्ल यजुर्वेद में भी जनक महाराज का नाम है रामायण में दो जनकों के नाम उल्लेख हैं एक मिथिल पुत्र दूसरा है उदावसु के पिता मिथिल पुत्र और उदावसु के पिता तथा दूसरे हैं हरस्वरोम के पुत्र और सीता जी के पिता देखिए दो हैं शास्त्रों में एक है मिथिलपुत्र और उदावस्ु के पिता जिनके बारे में हमने अभी तक सुना ठीक है जी मिथी पुत्र हैं मंथन से हुए इसीलिए वो मिथी पुत्र हुए और उदावसु उनका पुत्र हुआ इसलिए उदावसु के पिता और दूसरे हैं हरस्वरोम के पुत्र तथा सीता जी के पिता विष्णु पुराण के अनुसार जनक चंद्रवर्षीय प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था हरस्वरोम जी था इनके पुत्र हुए भानुमान विष्णुपुराण में यह वर्णन है जी कहां, कहां से गुरुजी ने ढूंढ ढूंढ करके कंपाइल किया है महाराज जनक द्वारा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ भूमि को जोतते समय के अग्रभाग से सीता नामक कन्या का आविर्भाव हुआ श्रीमद् भागवत के मत अनुसार सीर ध्वज जनक का पुत्र कुशध्वज था कुशध्वज ध्वज कौन हुए ध्वज जो है वो सीता जी के पिताजी ध्वज जनक ठीक है मिथिला जनक नहीं मिथिल जनक नहीं शीर जनक, ये हैं सीता जी के पिताजी उनका पुत्र जो है वह है कुशध्वज ततः क्षीरध्वज यज्ञे यज्ञाथ कर्शतो मही सीताशिराग्रत तो सीता शिराग्रतो जाता तस्मा शीरध्वज स्मृत अच्छा सीता से पहले हुए शीरध्वज स्मृत हरस्वरोम का शीरध्वज नाम का एक पुत्र हुआ इस सीरध्वज यह सिर ध्वज ही जब यज्ञ भूमि के लिए जोतने का कार्य कर रहे थे उस समय इनके हल्के अग्रभाग से रामपत्नी जी का आविर्भूत हुई इसीलिए इनका नाम सीरध्वज पड़ा तो उससे पहले नाम नहीं था क्या हरस्वरोम का शीरध्वज नाम का एक पुत्र हुआ ये शीरध्वज ही जब यज्ञ भूमि हरस्वरोम के पुत्र शीर जब यज्ञ भूमि को जोतने का कार्य कर रहे थे उस समय इनके हल के अग्र भाग से सीता जी अविर्भूत हुई इसलिए नाम शीरध्वज पड़ा तो पहले शीर नहीं था नाम क्या था पहले बिना नाम के तो नहीं था इनके कारण सीता नाम पड़ा सीर शब्द से सीता नाम पड़ा क्योंकि हल्का अग्र भाग जो होता है उसको सीत कहते हैं तो दो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन सी दिख रही अथम में कृषिता क्षेत्र लांगला लांग उत्थितो तथा क्षेत्रम शोधयता लब्ध्वांसी विश्रुता भूतालोत्थिता सा व्यवर्धत मजा वीर्यशुक्ल वीर्यशुक्ले शुल्केति मे कन्या स्थपीते मनोजिता एक दिन खेत में हल चलाते समय राजा जनक को हल की नोक द्वारा भूमि पर अंकित रेखा से एक कन्या के प्राप्त हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण लोग इसे सीता कहकर पुकारते हैं ये कन्या जनक की आत्मजा रूप से पली या बड़ी हुई पली या बड़ी हुई यही जनक जी की जन का आत्मजा जो शब्द कहा जाता है इनके लिए ही बोला जाता है, हालांकि शरीर से नहीं भी हुई लेकिन जन ने अपनी आत्मा से प्रकट किया इस भाव से पली और बड़ी हुई जनक जी की यह है, अयोनी संभवा कन्या वीर शुक्ला होगी अर्थात कन्या वीरत्व का प्रकाश करेगी ऐसी संभावना थी ये किसी योनि से नहीं आई हैं इसीलिए इस कन्या का नाम है कन्या वीर शुक्ला होगी वीर शुक्ला मतलब जिसकी शक्ति जो है वो सारी दुनिया देखेगी ऐसी शक्ति जो किसी ने नहीं दिखलाई हो जैसे अपने पुत्रों को जन्म देना और उन पुत्रों के द्वारा सारी सेना का मर्दन होना और फिर उसके बाद में स्वयं ही धरती के अंदर धरती को फाड़ के समा जाना ये सारा अद्भुत कार्य जो है इस कन्या के द्वारा होगा ये इसमें देखने में मिलता है अब यहाँ पे एक बात आने से ऐसा लगता है कि ये जो पहले हम कंफ्यूज हुए थे कि शीर ध्वज नाम नहीं था पहले क्या क्योंकि पहले जनक ही था जो भी राजा हुए उनको जनक ही कहा गया तो वो पहला नाम जनक और जैसे उन्होंने वो किया उसको सीर किया उसको चीरा धरती को हल से तो उसका नाम सीर कन्या हुई तो सीर ध्वज नाम पड़ा उससे अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गए कहते ताड़का राक्षसी के बद के पश्चात ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ एक दिन महाराज जनक की सभा में उपस्थित हुए राजर्षि जनक ने विश्वामित्र जी की पूजा करने के पश्चात उनसे आगमन का कारण पूछा तो विश्वामित्र जी ने जनक जी से सीता जी की सीता जी को भगवान श्री रामचंद्रों के हाथ में समर्पण करने की बात कही महाराज जनक ने भी इच्छा यही की किंतु वे एकमात्र वीरता को ही सीता कि प्राप्ति का मूल्य निर्धारित कर चुके हैं सीता को अगर कोई प्राप्त करेगा तो वीरता से करेगा क्योंकि वो वीर खुद भी हैं राजर्षि जनक के पूर्व पुरुष देवरात दक्ष के यज्ञ के समय से ही महादेव जी के व्यवहार किए हुए धनुष्य के अधिकारी बने थे देखिए राजऋषि जनक जो हैं उनके जो पूर्व पुरुष थे देवरात दक्ष उन्होंने जो पहले जो उनके हुए हैं जनक जी से पहले उन्होंने देवरात यक्ष का एक यज्ञ किया था और उस समय महादेव जी का व्यवहार किया धनुष उनको मिला था उत्तराध्या अधिकारी होने के कारण राजा जनक को वह धनुष प्राप्त हुआ था साधारण योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था इसलिए उन्होंने प्रण किया जो व्यक्ति धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को वे अपनी कन्या समर्पण करेंगे प्रत्यंचा जानते हैं जो धनुष होता है ना तो उसकी जो डोर होती है वो धनुष को नीचे करके तब चढ़ानी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं जैसे मिसाइल में भरने के लिए जैसे उसको ट्रिगर को पीछे किया जाता है, हर कोई नहीं कर सकता तो वो ट्रिगर को डाउन करके उसमें प्रत्यंचा वो जो होती है प्रत्यंचा वो एक वैसे तो मांस उसकी घोड़े की जो है नाड़ी से बनती है घोड़े की जो मेन नाड़ी होती है उसको सुखा करके बनती है इसलिए उन्होंने प्रण किया था जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को अपनी कन्या समर्पण करेंगे भगवान रामचंद्र ने राजा जनक जी के ऐसे प्रण की बात सुनी और यह भी सुना कि त्रिभुवन विजयी महा महावीरों में से कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका रामचंद्र जी ने खेल खेल में उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी एवं उसके दो टुकड़े कर उसे जमीन पर फेंक दिया टुकड़े क्यों किए <laughs> चढ़ाई दी तो टुकड़े ना ही करते चढ़ाई ये चढ़ाने के बाद खींच दिया कि भाई खींचूं अब चलाऊं तो सही और खींचने लगे टूट गया इस आलौकिक प्रकार का इस प्रकार आलौकिक कार्य को देखकर महाराज जनक एवं सभा उपस्थित सभी वीर हैरान हो गए यह संदेश पाकर दशरथ महाराज जी पुरोहित इत्यादि के साथ विदेही नगर में आ गए अच्छा दशरथ महाराज संदेश पाकर के आ गए राजर्षि जनक ने अयोनि उत्पन्न वीर कन्या सीता जी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान श्री राम जी के हाथों में समर्पित किया कलिका पुराण और हरिवंश पुराण में नरकासुर के वर्णन में राजा जनक की कथा का उल्लेख हुआ है कलिका पुराण और हरिवंश पुराण में नरकासुर का जहां वर्णन हुआ है वहां राजा जनक जी की कथा का उल्लेख है नारद जी के उपदेशानुसार राजा जनक ने यज्ञ किया तथा तभी यज्ञ भूमि में एक कन्या उत्पन्न हुई वहां पे कैसा लिखा है उसको द्वारा से बोल रहे एक बार तो भी बताया द्वारा पृथ्वी देवी ने उस भुवन मोहनी कन्या को राजा जनक को अर्पण कर दिया और कहा कि जब त्रेता युग के मध्य भाग में रावण के निधन के पश्चात इस कन्या का पुत्र हो तो बचपन में जनक उस पुत्र का पालन करें अच्छा राजा जनक ने पंद्रह वर्ष नौ मास तक पुत्र का पालन किया उसके पश्चात पृथ्वी देवी महाराज जनक के पास आई उसके आते ही राजा जनक ने पालित पुत्र को उसे अर्पण कर दिया तब पृथ्वी ने पुत्र को बताया कि राजा जनक आपके पिता नहीं हैं आपके पिता वरहा रूपी रूपधारी विष्णु भगवान है देखिए लीजिए हम्म ये जनक जो हैं सीता जी के पिताजी नहीं हैं ये उस जनक वंश में आने वाले जनक हैं जैसे अभी भी आ, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया ना जहाँ पे जो भी राजा होते हैं उनका नाम राम होता है राम इंडोनेशिया ना जो भी राजा मतलब वहाँ अभी भी हैं तो उनका नाम राम है फलाने नौ में राम दस में राम पचास में राम ऐसा चल रहा है वंश तो राम जैसे जितने भी हमारे गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य हुए हैं उन सब का नाम अभी तक शंकराचार्य जैसे वासुदेवानंद सरस्वती ज चिन्मयानंद सरस्वती जा अभी निश्चलानंद सरस्वती तो सरस्वती जा तीर्थ ये सब जो है आगे नाम शंकराचार्य 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 सबके शंकर ऐसे रामानुजाचार्य के जितने शिष्य होते हैं उनके लिखा रामानुजा, श्रीमन्ना रामानुजाचार्य जयेंद्र स्वामी ऐसे कुछ तो ऐसे वो मूल रूप से वही रखते तो यहाँ पे हरिवंश पुराण में एक जनक जी का उल्लेख हुआ है वो जनक जी कौन है आगे क्या बोलते हैं उसको हम बाद में समझेंगे फिलहाल यहाँ कहते हैं नारद जी के उपदेशानुसार राजा जनक ने यज्ञ किया तथा यज्ञ भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई यहाँ पे वो हल नहीं चलाया यहाँ पे है राजा जनक ने यज्ञ किया तथा तभी यज्ञ भूमि से यज्ञ से हो या यज्ञ भूमि से हो कन्या उत्पन्न हुई प्रकट हुई यज्ञ से एक कन्या और पृथ्वी देवी ने उस भुवन मोहनी कन्या को राजा जनक को अर्पण किया कि ये तुम्हारे पास रहेगी और कहा कि जब त्रेता युग के मध्य भाग में रावण का निधन होगा तो इस कन्या को एक पुत्र होगा बचपन में राजा जनक उस पुत्र का पालन करें और जब पंद्रह वर्ष नौ मास का हो जाएगा तब पृथ्वी देवी ने बोला कि मैं इसे ले जाऊंगी कुछ समझ आ रही है मतलब रावण है तब के समय की बात है रावण के मरने के बाद पुत्र होगा तो रावण के मरने के बाद सीता जी का भी पुत्र हुआ तो ये कन्या अब कौन सी है सीता जी है राम जी वाली जो कौन सी कन्या है इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना देखते हैं आगे जाके हाँ इसमें ये बोला है कि इस कन्या के जो पुत्र होगा यहाँ गुरु महाराज जी ने ना कई बातें ऐसी रख दी हैं जो शास्त्रों की हैं उनको कंपाइल किया है सब जगह से उठा करके एक जगह रख दिया है और उसका सामंजस्य बिठाना एक साथ उसको लगाना ये बड़ा मुश्किल सा काम हो गया इसको पढ़ के मुझे जो आभास हो रहा है सीता दो थी एक सीता जो कि भगवान अग्नि को समर्पित कर दी गई और वहां से एक सीता प्रकट हुई मालूम है ये घटना जिस सीता का वो, वो सीता माता नहीं थी वो तो अग्नि के पास थी और जो सीता वहां पे आई तो वह सीता ये कन्या इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर सा एक व्यवस्था बन जाती है और ये सीता वहां पे रही और उसके बाद में ये सीता को भगवान वराह का वराह जानते वराह जो होग होग पिग नहीं होग होग और पिग में अंतर है पता है नहीं मालूम है सिंह होते हैं, ऐसे दांत होते ऊपर को वराह अवतार।, वरा अवतार होता तो कहते हैं वराह रूपधारी जो भगवान विष्णु हैं उनके स, उनको संग उनका जब वो निकाल के लाए पृथ्वी देवी को तो लोग दिखाते हैं ऐसे ग्लोब दिखाते हैं वो ग्लोब नहीं था वो वो पृथ्वी देवी की एनर्जी स्वयं देवी थी तो उनको अपने सिंगों पे धारण करके लाए और जब ऊपर लेके आए हैं जल के ऊपर लेके आए हैं तब पृथ्वी के अंदर जो भी सब कुछ ऊर्जा थी वो बराबर से फिर बैठी वो ग्लोब दिखाते हैं ना तो वो कहते भगवान का संसर्ग प्राप्त करके ही उनके हृदय में भगवान का अंश प्रवेश कर गया और वही अंश जो है पृथ्वी पुत्र नरकासुर का नाम हुआ जिसको भगवान कृष्ण ने मारा तो यहाँ पे दो बेटियाँ दो पुत्रियाँ एक तो सीता और दूसरी ये यज्ञ से उत्पन्न हुई पृथ्वी देवी की पृथ्वी देवी साक्षात पृथ्वी देवी ही कह लो जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी उनकी उनके द्वारा जो है पुत्र हुआ और वह पंद्रह वर्ष तक नौ महीने तक वहाँ पे रहा उसके बाद में वही जब पृथ्वी देवी वापिस आई और आ करके उन्होंने चाह कि भाई आप मेरे को जो मैंने आपको दिया था वो तो मुझे वापिस कीजिए वापिस लिया तो वो बाद में नरकासुर बना कहते भगवान का बेटा नरकासुर नर्का, क्यों बना असुर क्यों बना जी असुर तो नहीं बनना चाहिए भगवान का बेटा हम कितने हैं सभी तो भगवान के ही हैं जितने जीव हैं किसके हैं आत्माएं है, भगवान के हैं शरीर अलग अलग माँ बाप से हो सकते ना लेकिन नरका जो है ये संग के प्रभाव से इसने असुरों का संग किया इसलिए नरकासुर इसलिए संग का प्रभाव भगवान के अंश पे भी होता है भगवान के पुत्र पे भी होता है संग जैसा करेंगे वैसा रंग होगा जैसे आज आप हरिकथा श्रवण कर रहे हैं समय क्या हो गया हरिकथा श्रवण कर रहे हैं ये हरि कथा अगर आप नहीं श्रवण करते तो आज का संग निश्चित रूप से या तो मोबाइल के साथ में होता है जहाँ किसी दोस्त के साथ होता है जहाँ घर के साथ होता है सिंपल है ना हाँ जो भी टीवी तो आजकल कोई देखता ही नहीं टीवी के साथ होगा बड़े बड़े टीवी मैंने लोगों के घरों में देखे हैं चालीस पचास इंच के देखते ही नहीं चालू नहीं करता उसमें भी यूट्यूब लगा लेते हैं लोग कहने का मतलब ये कि ये सत्संग के प्रभाव से हमारे अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं जो आश्रिक वृत्तियां हैं वो नष्ट होती हैं ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर आश्रित वृत्ति होती ही नहीं है होती है जितने भी जीव शरीर धारण करते हैं उनके अंदर प्राण अपान उदान व्यान इत्यादि वायु का प्रवाह होता है ठीक है तो प्राण मतलब पीना अपान मतलब वायु छोड़ना अपान जो है वो मलमूत्र के त्याग की एनर्जी है उसको हम जब छोड़ते हैं तो उसमें एक तरह की शांति मिलती मतलब वो अपवित्र वस्तु को अंदर रखना एक तरह से वो आसुरिक प्रवृत्ति है मोटी बात समझने के लिए तो ऐसे ही जो आसुरिक वृत्ति का संग करता है अर्थात ज्यादा देर तक पेट में संभाल के रखता है तो उसकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है होता है ना तो आसुरिक वृत्ति को हमारा शरीर हर रोज निकाल देता है मतलब गंदी वस्तु को हमेशा निकालता रहता है इसी प्रकार से जितने भी मनुष्य शरीरधारी जितने भी जीव हैं जब उसी एनर्जी को जो बाहर निकालने वाली एनर्जी है उसी एनर्जी को किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ में जब जुड़ते हैं तो वो उसके द्वारा उल्टी चलने लगती है मतलब वो जो त्याग करने की नीचे की तरफ से त्याग करने की हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और वृत्तियां उसके दिमाग जो है वो नेगेटिव थॉट बनने शुरू हो जाते हैं न? तो जिसके कारण वो आसुरिक प्रवृत्तियों में गंदी प्रवृत्तियों में घुस जाता है तो इसीलिए ये सारा टेक्निकल है सारा प्रोसेस जो है टेक्निकल है जो सात्विक होते हैं वो प्राणवायु लेते हैं धारण करते हैं और वो जब कहीं सत्संग इत्यादि बैठते हैं तो उनके दिमाग और ज़्यादा खुल विस्तृत होता जाता सब अच्छे लोग हैं सब में अच्छी प्रवृत्ति है कैसे ढूंढें ऐसे ढूंढें ये चीजें हमें मिलनी शुरू होती तो ये नरकासुर ने जो संग किया नरक इसीलिए कहा गया क्योंकि इसने गंदी चीज को संभाल के रखा गंदे थाट्स को संभाल के रखा तो कहते हैं इसने जब संग किया जिसके कारण से इसको पृथ्वी देवी के पास जब देने लगे तो उससे पूछा मेरा पिता कौन है क्या मेरे पिता जनक हैं तो उन्होंने ना जनक नहीं है तुम्हारे पिता वरा भगवान है उनसे तुम्हारा जन्म हुआ देवी भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरित्र में भी महाराज जनक की कथा के विषय में जाना जाता है वेद मुनि के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की उत्पत्ति का विवरण वहां इस प्रकार है ध्रिचाची ध्रिताची नाम की एक अफसरा वेदव्यास के निकट आई वेदव्यास मुनि ने उसको देखकर चिंताग्रस्त हो गए वह दिव्य सुंदरी कामणी शुक पक्षी का रूप धारण करके भाग निकली अच्छा अब सुंदर थी देख के भाग गई एक पक्षी का रूप धारण करके सुख वेद व्यास उस कामनी को देखकर आकर्षित हो चुके थे उन्होंने अपने वेग को दमन करने के लिए दो अग्नि कोष्ठों को रगड़ा तो उसमें से एक सर्वांग सुंदर सुलक्षण युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ दो अग्नि काष्ठों को, अग्नि की लकड़ियों को रगड़ा तो उसमें सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ व्यास जी सर्वांग सुंदर उस पुत्र का दर्शन करके हैरान हो गए स्वयं गंगा देवी ने आकर बालक को नहलाया धुलाया आकाश में धुंध बजने लगी देवतागण पुष्प वृष्टि करने लगे धृताची शुक पक्षी का रूप धारण कर गई थी इसलिए वेदव्यास ने उस पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया बालक जन्म से ही ज्वलंत अग्नि शिखा की भांति बढ़ने लगा बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ने लगा वेदव्यास जी ने पुत्र का उपनयन संस्कार आदि किया संस्कार होने मात्र से वे वेद मार्ग होने से ही वेद ज्ञान उनमें स्फूर्त हो गया उन्होंने बृहस्पति जी को गुरु के रूप में वर्ण स्वीकार किया ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात जब सुखदेव जी वापस आए तो पिता वेद जी ने पुत्र को वापस आया देख बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को कहा अत्यंत विषय विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की वेद जी ने उनको अनेक प्रकार से समझाया तथा सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने कराने में असमर्थ हो गए उसको पहले सब शास्त्रों का सार भागवत श्रवण कराया था, था, बाद में राजऋषि जनक के पास भेजा राजऋषि जनक जी ने नाना प्रकार के युक्तिपूर्ण वाक्यों द्वारा सुखदेव को समझाने पर सुखदेव जी ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजी हो गए परंतु बाद में ग्रस्थ आश्रम को त्याग कर कैलाश पर जाकर घोर तपस्या में लग गए देवी भागवत के वर्णन में जो सुखदेव हैं और परीक्षित महाराज की मृत्यु आने पर जिन्होंने भागवत सुनाया था वो दोनों सुखदेव एक नहीं हैं। भागवत वक्ता सुखदेव जी ने कभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया ये गुरुदेव जी की यही विशेष वो रही है कि आप देखो काम हम देवी भागवत पढ़ने के लिए जाते हैं कोई हमें बोलता है उसने सुखदेव ने बोला ऐसे ऐसे वो सुखदेव भैया दूसरा ही है ये वाले सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी सुनाए है ये सुखदेव वो नहीं है सुखदेव भी दो हुए हैं वो शुक पक्षी बन के वो जो स्त्री थी अप्सरा जिसका नाम था धृताची धृताची वो अप्सरा जो है शुक बन के उड़ी तो उन्होंने उसको अपने वेग को दमन करने के लिए यहां शब्द दिया वेग को दमन करने का क्या तरीका होगा अग्नि को उन्होंने दो अग्नि के काष्टों को घेस दिया वहीं से वहां पे उत्पन्न हुआ अपनी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा जो थी उनकी जो उसके लिए थी उस ऊर्जा को उन्होंने अग्नि के द्वारा पाक किया जो बनाया जहाँ उसको घर्षण किया तो वहां से वो पुत्र हुआ तो वह अलग है जिसको उन्होंने संस्कार अच्छे दिए भागवत श्रवण इत्यादि सब कुछ कराया है परंतु ये महाराज जनक के पास गए थे ये जनक कौन से जनक हैं उस वंश में आए हुए जनक नॉट पिता सीता जी के पिताजी वो नहीं है ठीक है सीता जी के पिताजी का नाम क्या था शीरध्वज्वज शीरध्वज के पास नहीं गए ठीक है राजर्षि जनक इतना ही लिखा है आगे कहते हैं देवी भागवत में जो शुभ अच्छा भागवत वक्ता सुखदेव जी ने तो कभी ग्रस्ताश्रम स्वीकार नहीं किया महाराज जनक जी के द्वारा सुखदेव जी को दी गई युक्तियां इस प्रकार थी जो सुखदेव जी को क्या समझाया था ये हम कल श्रवण करेंगे वंशा